हाय दोस्तों, स्वागत है आपका चर्चित चाय में। सो आज की चर्चा होने वाली है OMG मूवी के ट्रेलर की। जी हाँ, अक्षय कुमार, जिनको हम हमेशा एक अलग ही कंटेक्ट करने के लिए जानते हैं, 2023 में वो भी अपना एक धमाकेदार कमबैक लेकर आ रहे हैं। अक्षय पाजी लौट रहे हैं अपनी मूवी OMG 2 लेकर। OMG 2 का टीज़र हाल ही में आया है और लोग इसे खूब पसंद कर रहे हैं, और मुझे भी पर्सनली ट्रेलर बहुत ही पसंद आया और मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ 11 अगस्त का। 11 अगस्त को ये मूवी थिएटर्स में हम सबके लिए आ जाएगी। इस ट्रेलर में दो ऐसे सीन हैं जो देखकर मानो मेरा दिल एकदम में खुश हो गया और मैं चाहकर भी अपने दिल दिमाग से वो निकाल नहीं पा रही हूँ। मूवी के जो पहला पार्ट था OMG, जिसमें दिखाया गया था कि कैसे एक नास्तिक के मन में भगवान वास करते हैं, हम उम्मीद कर रहे थे कि शायद 2 पार्ट जो सीक्वल होगा वो भी कुछ ऐसा ही होगा, लेकिन इस मूवी में तो एकदम ही अपोजिट दिखा दिया गया है। इस मूवी में एक कैसे एक आस्तिक के विश्वास की जीत होती है ये दिखाया गया है। अक्षय कुमार मूवी में महादेव का रोल प्ले कर रहे हैं, और जैसा कि मैंने पहले बताया था, ट्रेलर के दो सीन्स मुझे बहुत पसंद आए। पहला सीन जिसमें दिखाया गया है कि कैसे शिवलिंग पर जल चढ़ रहा है, और उसके ठीक पैरेलल में अक्षय कुमार को ऐसे बैठा हुआ दिखाया गया जिसके पीछे एकदम चांद दिख रहा है जैसे महादेव के सर पे होता है, प्लस उस पे गंगा ऐसे बह रही है, और बिल्कुल साइड में ट्रेन ऐसे चल रही है जैसे मानो उनके सामने ही जीवन दुनिया जैसे चलती रहती है। तो वो सीन मुझे बहुत अच्छा लगा। दूसरा एक सीन, जैसे वो कहीं जा रहे होते हैं उनके पीछे नंदी बैल भी अपने 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 साथ जा रहे होते हैं, तो ये छोटी छोटी चीज़ें मुझे ट्रेलर में बहुत ही रिलेटेबल लगी और मुझे बहुत पसंद आई। अक्षय कुमार के साथ साथ मूवी में पंकज त्रिपाठी और यमी गौतम भी हैं। यमी गौतम का जहाँ तक मैं प्रेडिक्ट कर पा रही हूँ, थोड़ा नेगेटिव शेड इसमें रहेगा। पंकज त्रिपाठी एक आस्तिक का रोल प्ले कर रहे हैं, और मैं इंतज़ार ही नहीं कर पा रही हूँ। मतलब मैं चाहती हूँ जल्द से जल्द ये टाइम खत्म हो और अगस्त 11 आए ताकि मैं ये मूवी देखने जाऊँ। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कीप सपोर्टिंग।